नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। चार मासूम नन्हे बच्चों के पिता ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का कारण पत्नी के छोड़ जाने से हताश मृतक ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। सूचना पर से पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बा अस्पताल भिजवा दिया है। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के निरंजनपुर में रहने वाले चार बच्चों के पिता ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक गुमान सिंह चौहान मिस्त्री का ठेकेदार था, जो बिल्डिंग निर्माण करने का ठेका लिया करता था। बताया जा रहा है कि मृतक गुमान सिंह का उसकी पत्नी से 3 दिन पहले किसी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था और पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। इसी के चलते डिप्रेशन में आकर हताश हुए मृतक गुमान ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया। सूचना पर से पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों के बयान के बाद पुलिस वैधानिक रूप से कार्रवाई करने की बात कहती नजर आ रही है। मेरा भाई था बड़ा वाला, ये तो इनके दो साले थे, उनका नाम था, एक का नाम राहुल और एक का नाम शिव। वो है तो इनके घर में ही रहते थे और दोनों इसको मारते थे। अभी 2 दिन पहले मेरे को पता चला, मैं बाहर गाड़ी चलाता हूँ तो 2 दिन पहले ही पता चला कि इसको मारा, मेरी बहनों ने बताया। और उसके बाद में अभी उसकी घरवाली 3 दिन पहले इनको छोड़ के चले गए और इससे पहले भी कई बार छोड़ के चले गई थी। और 10 या 15 दिन पहले, मतलब इतने दिन रह के फिर वापस आ जाते थे, और 4 बार हो चुका है ऐसा। और हमको कल सूचना मिली कि आपका भाई फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। ये मिस्त्री का काम करता है, देवास नाके 30 साल। नहीं, हम गनवानी के हैं, पर हमारा बायड करीबन हमको 20 साल हो गए। मेरा नाम शंकर चौहान, मैं उनका छोटा भाई हूँ। ये गुमान सिंह है जो मिस्त्री का काम करता था बैठ के, और इसने अपने कल शाम को अपने घर के अंदर फांसी लगा के अपने हाथ में दगल ली बैठ के। कारण ये यहाँ है कि उस पत्नी इसके 3 दिन पहले चली गई थी घर से, इसलिए वियोग में आके उसने आत्महत्या कर ली अपनी। कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ। ये मिस्त्री का काम करता था। इसके 4 बच्चे हैंगे, 2 लड़का 2 लड़की। रहने वाला यहीं का ही है, 30 साल से यही निवास कर रहा है। इसके पहले धार झापा का सब कहीं का रहने वाला है। ये सही अनिल सिलावट। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।